अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं वो कपकेक्स ही है, तो इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 250 ग्राम, अंडा चाहिए एक अदद, ये हमने बेकिंग पाउडर लिया है 2.5 टीस्पून, ये हमने कोको पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून, हमने पिसी हुई चीनी ली है 3/4 कप, हमने मिल्क लिया है 3/4 कप, ऑयल लिया है 1/2 कप, और ये चॉकलेट चंक्स लिए हमने 12 अदर, और वनीला एसेंस जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। तो फाइनली फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। चले व्यूवर्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ऐसा बाउल ले लेना है, उसके अंदर हमने अपना मैदा डालना है, चीनी जो हमने पीसी थी वो डालनी है, कोको पाउडर डालना है, और बेकिंग पाउडर डालना है, और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। तो फिर इसके अंदर हमने जो ये हमने अंडा लिया था ये डालना है, दूध जो लिया था हमने ये डालना है, और ऑयल डालना है, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस लेके इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें व्यूवर्स, हमारे यहाँ मैदा तैयार हो रहा है। इसको अच्छी तरीके से आपने हिलाना है, मिक्स करना है कि सारी चीज़ें एक साथ यकजान हो जाए। कोई भी इसमें गुठली वापस ना रहे, फिर जितना भी साइडों पे लगा फिर इसको इस तरह स्पैचुले से निकाल। अच्छा ये देखें, ये हमारे पास कपकेक की ट्रे है, इसको हमने ब्रश से ऑयल लगा लेना है, थोड़ा बहुत मैदा लेके इस पर इस तरह सेट कर लेना है। अब ये हमारे जो मैदा है जो तैयार हो चुका है, इसमें इस तरह का कोई भी चमचा आप जिससे इसमें डाल सके आसानी से लेके इस तरह सारे कपकेक्स के अंदर हमने डाल। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। इसको अभी हम जो हमने चॉकलेट ली थी ये इसके अंदर लगाएंगे।
ये देखें, ये हमने इसके अंदर चॉकलेट लगा दी है। ओवन को हमने प्री हीट पर रख दिया था 180 डिग्रीज पे, तो अभी इसको ओवन के अंदर रख के 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। तो व्यूवर्स 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम देखते हैं हमारे कपकेक तैयार हुए हैं कि नहीं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं, तो अब हम इनको निकालते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। देखिए व्यूवर्स, ये हमारे कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप इनको अपने सुबह नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, या कोई भी मेहमान आया हो आप उनके साथ इसको बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें ये कितने ज़बरदस्त बने हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आ सकूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।